ग्रामीण पुलिस की एक विशेष टीम ने मंगलवार को मौता पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत मातनी शिवारा में एक रेत घाट पर छापा मारा। चालकों सहित वाहन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके पास से एक जेसीबी मशीन, 3 टप्पर, रेत और अन्य सामग्री कुल मिलाकर 1,96,000 रुपए जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार को सूचना मिली कि मातनी शिवारा में बालू का बड़ा भंडार है और वहां से बालू की ढुलाई की जा रही है। उनके आदेश पर मंगलवार को नागपुर ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने मातनी शिवारा का निरीक्षण कर नाकाबंदी की। इस दौरान उन्होंने 3 टिपरों को रोककर तलाशी ली। पूछताछ में पता चला कि इसमें रॉयल्टी मुक्त रेत है और रेत का भंडारण मातनी में किया गया था, इसलिए टीम ने 3 टिपरों को रेत से भरने के लिए इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन के साथ जब्त कर लिया। लेकिन राजस्व एवं राजस्व पुलिस विभाग आंखें मूंदे बैठा है। जब्त रेत का भंडार मातनी के एक घर के सामने था, जहां से प्रतिदिन रेत लाकर बिक्री के लिए भेजा जाता था। इसलिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस जखीरे की जानकारी तलाटी और पुलिस पाटिल समेत स्थानीय पुलिस को भी है, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की है। अंतर इन दोनों विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी की इससे साफ बात होती है कि रेत बनाने वालों से उनके आर्थिक संबंध है। इन बीसीएन न्यूज के लिए मौता से संवाददाता अचल तिजारी की रिपोर्ट।